नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी मैथ पूरा चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूं, जिसमें कि हम लोग अध्याय 5 आज समांतर श्रेणियां देखेंगे। और इसका अध्याय 5.2 जो प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 11 और 12 को देखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे, पूरा कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो हम लोगों ने समांतर श्रेणियों में आप लोगों को बताया था nवां पद निकालने के लिए फार्मूला। तो अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, nवां पद के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह मैंने आपको फार्मूला बताया था। इसी फार्मूले पर हम लोग प्रश्न संख्या 11 को लगाएंगे। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है, एपी यानी कि कोई श्रेणी एपी में है जिसका प्रथम पद 3, 15, 17, 39 यानी कि एक श्रेणी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि वह 54वां पद है कौन क्या। ठीक है, फिर उससे 132 हम जोड़ेंगे, उस संख्या को निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कि वो संख्या यानी कि किस स्थान पर है। तो आइए हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा प्रथम पद, पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है। हम जानते हैं कि प्रथम पद किस से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया, 3। और यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सर्वांतर डी। डी कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देते हैं, तो 15 में से 3 को घटा देंगे। तो 15 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बच जाएगा यहाँ पर 12। तो सर्वांतर कितना आ गया, 12। प्रथम पद क्या हो गया, 3। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर 54वें पद से, यहाँ पर इसको देखें, 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 54वां पद निकालेंगे, कौन सा, 54वां पद यानी कि ए 54 के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पर ए 54 बराबर प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद है हमारा 3 प्लस एन क्या है 54 माइनस 1 और डी का मान कितना हमने निकाला हुआ है 12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो 3 धन यहाँ पर 54 में से जाएगा, बचेगा कितना, 53 गुणे 12 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो 53 में हम 12 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, फिर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 6, 3, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस को लिख देंगे 3 धन 6, 3, 6 यानी 636। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे तो 6, 3, 9 हो जाएगा, यानी 54वां पद कितना आ गया, आ गया 639। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो लाइक करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो अगला पद है ए 54 आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका पूछ रहा है कि 154वें पद से 132 अधिक है, तो अब क्या करेंगे, 54वें पद से 32 अधिक है यानी कि, तो पुनः अब हम क्या करेंगे, इसमें 54वां पद कितना आ गया है, तो संख्या क्या आ जाएगी, जो मिलेगा 6, 37 प्लस 132 जोड़ देंगे, क्योंकि 54वें पद से 132 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी, तो 9, 2, 11 ठीक है, और 3, 3, 6, 1, 7 हो जाएगी, 6, 1, 7। तो वह संख्या कौन सी है, 771 होगी। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 9, 2, 11, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 6, 1, 7 यानी 771 होगी। अब हमें निकालना है कि यह जो 771 है वह श्रेणी का कौन सा पद है। तो अब जैसे फार्मूला हमारा वही रहेगा,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा प्रथम पद और सर्वांतर हमें मालूम ही है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए एन यानी 771 है, कितना है 771, और यहाँ पर जो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा आया हुआ है 3, प्लस एन क्या है यही फाइंड करना है, और डी है 12। ठीक है, अब कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब देखिएगा 771 है यह, और यहाँ पर 3 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में, बराबर एन माइनस वन गुणे 12। तो अब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 768 आ जाएगा। ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू 12। अब यहाँ पर 12 क्या है गुणे में है, अब हम क्या करेंगे इसको भाग में कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा एन माइनस वन। तो अब हम 768 में क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, तो 12 पच्चीस 60 12 छंग 72 यानी कि 6 बार में जाएगा 12 छंग 72, और बचेगा कितना यहाँ पर 4 8 तो 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 64 एन माइनस वन। तो एन बराबर हो जाएगा 64, इधर माइनस में एक है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में ये, तो एन बराबर हो जाएगा 65। तो यानी कि 65वां पद क्या होगा जो आएगा वह 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। अब आइए हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, 12वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, जो सर्वांतर दिया है वह क्या है समान है, श्रेणियाँ अलग अलग हैं, एक ही श्रेणी नहीं है, श्रेणी अलग अलग है और समांतर क्या है समान है। यदि इसके 11वें पद पदों का अंतर सॉरी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि इनके जो 100वां पद है उनका अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर निकालिए। जैसे हम बात करते हैं कि दो श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक ए है ए वन ए टू ऐसे करके है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रथम पद क्या है ए है। ठीक है, एक और श्रेणी है ए कैपिटल ए मान लेते हैं, फिर ए वन फिर ए टू ऐसे करके दो श्रेणियां हैं। ठीक, अब यहाँ पर सर्वांतर जो दिया हुआ है सर्वांतर समान है, दोनों का सर्वांतर क्या है डी है, यह दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि माना प्रथम श्रेणी यानी कि श्रेणी प्रथम श्रेणी का प्रथम पद हम मान लेते क्या है ए है। ठीक है, अब और द्वितीय जो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद हम कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल ए। अब हम पहले वाले श्रेणी का निकाल लेते हैं, ठीक है, 100वां पद। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रथम श्रेणी का 100वां पद यानी ए 100 क्या हो जाएगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी, यह हो गया। अब जो दूसरी श्रेणी है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का 100वां पद हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए 100 बराबर कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सर्वांतर दोनों में क्या है समान है, तो ए प्लस 99 डी। अब प्रश्नानुसार और देखिएगा जो इनके दिया हुआ है कि इनके 100वें पदों का जो अंतर है 100 है, यानी कि दोनों पदों का हमने 100वां पद निकाल लिया
अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका अंतर निकालेंगे। तो अब देखिएगा, अगर पहला पद है कितना है, a प्लस 99d माइनस, अब इनका अंतर निकालेंगे, a इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 99d बराबर कितना आ रहा है, 100। तो अब ये कितना हो गया, a प्लस 99d माइनस a, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 99d बराबर 100। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो a माइनस कैपिटल a बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसका तो इसके 1000वें पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, अब इसका 1000वां पद, ठीक है, तो प्रथम जो श्रेणी होगा इसका 1000वां पद निकाल लेते हैं, प्रथम श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, a 1000 बराबर प्रथम पद, तो प्रथम पद वही रहेगा स्मॉल a, प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी सर्वांतर, क्योंकि समान रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, a 1000 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 999d हो गया। ठीक है, अब फिर जो कैपिटल a है, ठीक है, इसका 1000वां पद, तो कैपिटल a प्लस 1000 माइनस, माइनस रहेगा यहाँ पर 1 इंटू डी, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 1000 में से एक जाएगा 999d। अब इनके पदों का अंतर हम देखेंगे, ठीक है, तो a प्लस यानी कि पुनः अब इनके अंतर निकालना है। ठीक है, 1000वें पद का अंतर, तो a प्लस 999d माइनस ब्रैकेट में कर देंगे कैपिटल a प्लस 999d, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, a प्लस 999d, ये 999d माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस a, अब प्लस माइनस माइनस 999d, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो a माइनस a, ठीक है, अब a माइनस a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको समीकरण एक रख कर दें अगर, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, a 1000, इसको हम कैपिटल a मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कर लेते हैं इसको, ठीक, तो माइनस कैपिटल a 1000, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा, a 1000 माइनस कैपिटल a 1000 बराबर a माइनस a। तो a माइनस a की वैल्यू हम देख रहे हैं कि यह जो समीकरण एक है इसका मान कितना है, 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण एक से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 100 पदों का जो अंतर है, दोनों सीढ़ियों के 100 पदों का अंतर 100 आ रहा है, और 1000 जो पद हैं उनका भी अंतर 100 ही आ रहा है। तो जितना भी मैंने बताया पूरे कंसेप्ट के साथ बताया, अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।